हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। और आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ में शेयर करने जा रही हूँ पर्पल का बी योर ओन BFF कॉम्पैक्ट विद SPF। इसमें जो मेरा शेड है वो है हनी सेल्फ केयर 2। ये एक्चुअली है ब्रिटिश स्किन के लिए, जैसा कि साइट पर मेंशन है कि ब्रिटिश स्किन के लिए ये शेड परफेक्ट रहेगा, तो वही देख करके मैंने इसे परचेज किया था। बात करेंगे इसके बारे में पूरी डिटेल में, इसकी पैकेजिंग कैसी है, इसके क्लेम्स क्या हैं, मेरा एक्सपीरियंस इसके साथ में कैसा रहा, इसके प्लस पॉइंट, इसके माइनस पॉइंट, सारी बारे में चीज़ों के बारे में डिटेल में बात करेंगे। बने रहिएगा इस वीडियो के एंड तक। प्लीज़ इस वीडियो को जाते जाते लाइक शेयर ज़रूर कर दीजिएगा अगर आपको ज़रा सा भी पसंद आता है तो। और सबसे पहली बात, अगर आप पहली बार देख रहे हैं इस चैनल को, इस वीडियो को, तो प्लीज़ कंसिडर सब्सक्राइबिंग इट। मेरे चैनल पर आते हैं DIYs, ब्यूटी एंड फैशन से रिलेटेड वीडियोज एवरी मंडे, वेडनेसडे एंड फ्राइडे। चलिए बढ़ते हैं आज की इस वीडियो की तरफ। ये कुछ इस तरीके की कार्डबोर्ड पैकेजिंग में हमें रिसीव हो जाता है। ये इनकी जो पर्पल की जो बेसिक अपनी पैकेजिंग है ये वही है, देख लीजिए आप, पूरी डिटेल्स मेंशन है बैक साइड पर। MRP इसकी 199 है, नेट वेट इसका 9 ग्राम्स है, लेकिन हमें ये MRP हमेशा इससे कम पे ही मिलता है, MRP पे इससे कम पे मिलता है, क्योंकि ये हमेशा सेल टाइम पे ही रहता है। कुछ इस तरीके से इसकी पैकेजिंग है। इसकी पैकेजिंग काफ़ी क्लासी सी है, ब्लैक कलर की पैकेजिंग है एंड गोल्डन कलर से इस पर लिखा हुआ है, तो ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा है, क्लासी लग रहा है। इसके जस्ट पहले मैंने एक कॉम्पैक्ट को भी रिव्यू किया था मेरे चैनल पर, जो अबाउट टू फिनिश ही था, उसमें आपको दिखाया भी था, वो ख़त्म हो चुका है, उसके बाद ही मैंने इसे यूज़ किया है। इसे यूज़ करते हुए मुझे ऑलमोस्ट 15-20 डेज हो चुके हैं एंड अब मैं इसके आपके साथ में लेकर के आई हूँ। तो ये कुछ इस तरीके की पैकेजिंग है। इसका जो ओपन है ये देख सकते हैं, अच्छा खासा है, ये कहीं से भी देख रहे हैं आवाज़ आई तो ये अच्छे से क्लिक साउंड होकर के ये होता है। और यहाँ पर आपको एक मिल जाता है, फुल मिरर मिल जाता है, जिसमें अच्छे से आप उसको देख सकते हैं अपने फेस को। ये इसका स्पंज है। स्पंज के साथ में दिक्कत ये है कि ये इसका जो ऊपर वाला पार्ट है, जो कपड़ा लगा हुआ था स्पंज के ऊपर, ये निकल चुका है। ये चीज़ मुझे थोड़ी अजीब सी लगी, क्योंकि पर्पल की खुद की अपनी ब्रांड का ही प्रोडक्ट है, तो इस तरीके का होना नहीं चाहिए, बट है कुछ, तो क्या कुछ कर नहीं सकते उसमें। खैर, मेरा तो ये निकल चुका है, आप देख रहे हैं स्क्रीन पर। ये देखिए, ये स्पंज मैंने यूज़ किया हुआ है, ये आपको दिख भी रहा है, यहाँ से मेरा प्रोडक्ट भी यूज़ हुआ है, ये भी आपको दिख रहा है, ये नया प्रोडक्ट नहीं है, ये ऑलमोस्ट में 15-20 डेज हो चुका है ये यूज़ करते हुए। इसके ऊपर हमें मिल जाती है एक प्लास्टिक की शीट, और ये प्लास्टिक की शीट आपको हमेशा बचा के संभाल के रखनी चाहिए है एक्चुअली, क्योंकि जब भी हम स्पंज रखते हैं पाउडर में के ऊपर, तो क्या होता है, ये यूज्ड स्पंज होता है, तो ये यूज्ड स्पंज हमेशा पाउडर में जा कर के जर्म्स जो हमारे फेस के होते हैं वो उसके ऊपर छोड़ देता है। नेक्स्ट टाइम जब भी आप यूज़ करोगे वही जर्म्स हमारे फेस पे वापस आ जाएंगे, जिसकी वजह से एक्ने पिंपल जैसी प्रॉब्लम हो सकती है। यही रीज़न है कि स्पंज और कॉम्पैक्ट के बीच में एक कुछ डिमार्केशन होना चाहिए है, और इसीलिए मैं ये जो इसमें आती है उसको मैं हमेशा संभाल करके रखती हूँ। अब मैं इसका शेड की बात करूँ अगर, तो ये शेड मैं आपको दिखा देती हूँ, ये है इसका शेड, ये ब्रिटिश स्किन के लिए है, देख सकते हैं आप, अच्छे से ब्लेंड हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं है। थोड़ा सा ये कहें अगर तो मेरी स्किन टोन से बहुत ज़्यादा मुझे इसलिए नहीं समझ में आया, क्योंकि थोड़ा सा पिंकिश साइड पे ज़्यादा है, ये पिंक टोन पर ज़्यादा है, तो मेरे फेस से ये इतना ज़्यादा मैच नहीं होता, मेरी स्किन से इतना ज़्यादा मैच नहीं होता है। फॉर ऑल दो जिनको इस टाइप का पसंद है वो तो बिल्कुल इसको यूज़ कर सकते हैं। प्रोडक्ट में कोई भी कमी नहीं है, शेड चूज़ करने में गड़बड़ हो गई है तो वो तो मेरा फॉल्ट है, उसमें तो कोई भी दिक्कत नहीं है, प्रोडक्ट की तरफ से कोई भी कमी नहीं है। तो देखिए, मैं इसको इस तरीके से ही रखती हूँ, जिससे कि ये साथ में ही, मुझे वीडियो शूट करना था, दैट्स वाई मुझे इसको दिखाना था आपको, और इसीलिए मैंने इसे संभाल के रखा हुआ था। ये हो गया बंद। चलिए अब बात कर लेते हैं इसके बारे में पूरी डिटेल में। इसकी अगर बात करी जाए तो ये बेसिकली है, एक अच्छा सा फिनिश देता है, अच्छी तरीके से ब्लेंड हो जाता है, लॉन्ग लास्टिंग है, जो इसका क्लेम है कि काफ़ी ज़्यादा लॉन्ग लास्टिंग है। लॉन्ग लास्टिंग के लिए तो मैंने लास्ट वीडियो में भी आपको बोला था कि कॉम्पैक्ट केस में तो यही होता है कि अगर आपको लॉन्ग लास्टिंग रखना है तो आप उसको किस तरीके से यूज़ कर रहे हैं, किस एनवायरमेंट में यूज़ कर रहे हैं, उसके ऊपर डिपेंड करता है। अगर आपने इसको लगाया है और तुरंत ही आप किचन में जा करके काम करना शुरू कर देंगे तो, और फिर कंप्लेन करेंगे कि वो स्वेटिंग की वजह से बह गया या कुछ हो गया, तो वो तो बात ही अलग है। लेकिन हाँ, जनरल पर्पज़ में अगर आप नॉर्मल लाइफ में इसको यूज़ कर रहे हैं, डे टू डे लाइफ में डेली यूज़ के लिए ये बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट है,
कोई भी दिक्कत नहीं है, टचअप बार बार करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। और सबसे अच्छी चीज़ है कि इसकी पैकेजिंग बहुत ही ज़्यादा कॉम्पैक्ट है। अगर आप चाहें तो इसको हैंडबैग में रख करके आराम से ले जा सकते हैं। अब तो ऑफिसेज भी खुल गए हैं कई जगह, तो बहुत लोगों को टचअप देने के लिए बीच में रखते हैं अपने साथ में, तो इसके लिए बिल्कुल आप अपने हैंडबैग में इसको अपने साथ कैरी कर सकते हैं। ट्रैवल फ्रेंडली पैकेजिंग है, लाइट वेटेड है, कोई भी दिक्कत नहीं है। और सबसे अच्छी चीज़ है कि इसमें है SPF, तो सन प्रोटेक्शन का काम भी ये बहुत अच्छे तरीके से करता है। अगर आपने सनस्क्रीन स्किप भी कर दी है तो भी आपके लिए ये बिल्कुल अच्छे तरीके से काम करने वाला है, क्योंकि ये इसमें SPF इंक्लूडेड है। गर्मियों के सीज़न में स्पेशली इस तरीके के प्रोडक्ट बहुत ही ज़्यादा अच्छे होते हैं जिनमें SPF हो, तो आपको अलग से सनस्क्रीन कैरी करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, सनस्क्रीन लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो फ्रेंड्स, ये था मेरा एक्सपीरियंस इस प्रोडक्ट के साथ में। आप में से कितने लोग इस प्रोडक्ट को यूज़ कर रहे हैं मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, और आपका एक्सपीरियंस इस प्रोडक्ट के साथ में कैसा रहा है ये भी मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन स्टे ट्यून्ड, गुड बाय।